अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स वैसे तो हम आपको छोटे बच्चों की बहुत सारी फ्रॉक्स दिखा चुके हैं लेकिन आज मैं आपको एक टेन इयर्स की गर्ल्स की एक फ्रॉक्स बनाना सिखा रही हूँ यू कैन आल्सो मेक इट फॉर टीन एजर गर्ल एंड दिस इज़ लुक सो ब्यूटिफुल इट्स वेरी ईजी देखने में मुश्किल लगती है लेकिन जब हम आपको बनाना सिखाते हैं तो बहुत ईजी हो जाती है सो फ्रेंड्स एज यू सी आई टुक आई बॉट अ नेट फैब्रिक दिस इज़ अ नेट फैब्रिक एंड यू नीड सेवेंटी लेंथ एंड एट लीस्ट थर्टी फाइव इंचज वथ अब वन फोटी मैंने क्यों लिखी है द टोटल लेंथ ऑफ द फैब्रिक इज़ वन फोटी वेयर एज इन डबल पीसिस यू हैव टू मेक यू हैव टू बुट इट लाइक दिस इट्स अबाउट सेवेंटी प्लस सेवेंटी इज इक्वल टू फोर्टी वन फोटी अब आपने जिस बच्चे की बनानी है जितनी आप लेंथ रखना चाहते हैं बेशक आप बच्चे को खड़ा करके उसकी मेजरमेंट कर लीजिए और यू कैन ऑल्सो मेजर इट विद अ किड क्लॉथ लाइक आई एम मेजरिंग इट विद अ फ्रॉक द वि शुड बी 35. फाइव सो दिस इज़ अ फैब्रिक फॉर द स्लिप जो हम नीचे कपड़ा लगाएंगे ठीक है नेट के उसका कपड़ा आपको इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता सिर्फ एक बड़ा सा कपड़ा ले लीजिए टोटल जो फैब्रिक मैंने ली है द ओवरऑल दिस नेट फैब्रिक इज अबाउट फोर मीटर्स एंड वन मीटर और टू मीटर यू नीड फॉर द स्लिप ठीक है स्लिप को हम सिंपल गोल सी लेते हैं और इसको हम नीचे अटैच कर लेते हैं ये इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता और ये लेंथ से थोड़ा सा कम होता है बिल्कुल फुल लेंथ आपने नहीं रखनी जैसे 140 थी तो हम इसको थोड़ा कम रखेंगे और जो विड्थ है वो आपकी थर्टी फाइव होगी ठीक है द वथ शुड बी थर्टी फाइव नाउ दिस इज़ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी द फ्रॉक ये स्लिप का कपड़ा है इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और ये ऐसे रखेंगे मेजर इट विद द किड्स लेंथ लाइक उसकी हाइट से मेजर करें तो बेली बटन तक आपने मेजर करना है नेक से लेकर बेली बटन तक आप शोल्डर से लेकर बेली बटन तक आप मेजर करेंगे या फिर आप फ्रॉक से मेजर कर लें ठीक है ये तकरीबन आपके पास कोई सेवनटीन इंचेस की लेंथ में आ जाता है और विड जो है वो उसकी साइज़ के मुताबिक रखें क्योंकि देखें हर बच्चे की डिफरेंट लेंथ होती है जिस बच्ची की मैं बना रही हूँ बहुत वीक और स्लिम है तो मैं उसकी इस तरह बना रही हूँ सो यू कैन मेजर इट विद अ किड क्लॉथ और यू कैन मेजर इट विद अ किड्स हाइट अगर आपके पास कपड़े नहीं मेजर करना चाहते तो आप बच्चे को खड़ा करके उसकी इंची टेप से मेजरमेंट लेके आप उसकी बना सकते हैं याद रखें दो इंच हमेशा खुला रखा करें क्योंकि वो स्टिचिंग में कपड़ा आ जाता है ना इट लाइक दिस इस तरह फ्रेंड्स आपने इसको रख के ठीक है ये जो कपड़ा है जो मैंने ऊपर लिया हुआ है ये आजकल बहुत फैशन में चल रहा है इट्स इन ट्रेंड नाउ एंड यू कैन ऑल्सो मेक डिफरेंट टाइप ऑफ शर्ट्स फ्रॉक्स फ्रॉम दिस क्लॉथ बट इट इट इज़ बिट इरीटेटिंग वाइल वेयरिंग इट बिकॉज थोड़ा सा चुभता है ना फ्रेंड्स ये आपका हो जाता है रेडी इस तरह गला काट लेते हैं आगे से जो गला होता है वो थोड़ा खुला होता है और पीछे से गला आपने छोटा रखना होता है तो इस तरह मैंने इसकी कटिंग कर ली है फ्रेंड्स मैं बहुत स्लोली दिखा रही हूँ बिकॉज यू ऑलवेज़ डिमांड दैट के आप आहिस्ता सिखाएं तो मैं इसलिए बहुत ही आराम आराम से इसकी कटिंग कर ली है मैंने अब ये मैंने एक कपड़ा लिया है दिस इज़ फॉर द बो यू कैन मेक अ बिग बो और अ स्मॉल बो इट्स ऑल अप टू यू इट्स अबाउट टेन इंचेस व्ड एंड इंट इंचेस लेंथ सेवन और ट्वेल्व की मैंने बना ली है इसको आपने सिंपल स्टिच कर देना है सारों चारों साइडों से और एक छोटा सा आपने फैब्रिक ले लेना है जिससे हम इसको बीच में इसको स्टिच कर लेंगे चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका करते हैं अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं और मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इनको और सारी चीज़ों को स्टिच करने बिफोर दैट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने ये आजकल कल फिदर्स बहुत आए हुए हैं जैसे क्रो के फिदर्स होते हैं आपको लेस बहुत इजीली मिल जाएगी मार्केट से दिस इज़ आई बॉट फ्रॉम द मार्केट एंड यू आल्सो नीड एट लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ दिस फैब्रिक द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज अबाउट वन फोर्टी मीनस सेवेंटी सेवेंटी इस तरह आपने फोल्ड करके इसको ले लेना है तकरीबन एट आपने रेडी कर लेनी है इसकी जो वथ्थ है वो तकरीबन टू इंचेस होगी और जो लेंथ है वो टोटल वन फोर्टी होगी और उसको हम डबल कर लेंगे और ये हमने लगानी है फ्रॉक के जो नीचे घेरा होगा उसके बिल्कुल नीचे ये दावन पे लग जाएगी ठीक है इस तरह मैंने एट जो है वो रेडी कर ली है ये देख सकते हैं आप ये डबल डबल है अब सबसे पहले मैं सारे काम हम छोटे छोटे काम कर लेते हैं और उसके बाद हम मेन फ्रॉक को स्टिच करना आपको सिखाएंगे सबसे पहले आप बो को स्टिच कर लें सिंपल आपने इसको स्टिच करके थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं आप इसके ताकि हम इसको सीधा कर सकें फ्रेंड्स ये मैंने बो सी ली है बिल्कुल थोड़ा सा मैंने साइड से करके इसको मैंने सीधा कर लिया था अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने किस तरह बनानी है तो मैं एंड में बताऊँगी क्योंकि हम उसे फ़्रॉक के साथ अटैच करेंगे अब हम ऊपर वाला पोर्शन ले, ले लेते हैं फ्रॉक का ऊपर वाली साइड ले कर आपने जो स्लिप है उसको आपने जोड़ लेना है शर्ट के साथ और दोनों साइडों की दोनों को आपने इस तरह जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद फिर हम इसके नीचे जो है वो नीचे वाले पोर्शन को बनाएंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपने किस तरह से बनाना है अच्छा फ्रेंड्स अब ये जो दो स्ट्रिप्स हैं पहले हम दो स्ट्रिप्स को इस तरह रख के और हमने इसको जो है वो सी लेना है ये आप देख सकते हैं ठीक है इस तरह मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ बहुत सारे जमा करके आपने स्टिच करना है इस तरह आपने इसकी बहुत सारी बना लेनी है ठीक है ना फ्रेंड्स एज यू सी के ये मैंने सारे स्ट्रिप्स का इस तरह बना लेना है ठीक है दो दो स्ट्रिप्स आपने रखनी है और द होल स्ट्रिप इज़ वन फोर्टी इंचज लॉन्ग सो आई एम टेकिंग टू स्ट्रिप्स एंड मेकिंग दिस यू हैव टू मेक फोर आउट ऑफ स्ट्रिप्स ना फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने नीचे से पाइपिंग कर ली आई ऑलरेडी डिड द पाइपिंग ऑन द डाउन साइड ऑफ द फ्रॉक एंड नाउ आई एम गोइंग टू अटैच इट बाय लिविंग द टू फिंगर्स डिस्टेंस आई एम अटैचिंग दिस स्ट्रिप ओवर हेयर ना फ्रेंड्स आपने देखा वो रेडी हो चुका है अब जो शर्ट है यू हैव टू अटैच दिस नेट फैब्रिक विद द शर्ट इसमें भी चुनटे डाल लें छोटी छोटी और इसको आप अच्छे से स्टिच कर लें ये फ्रेंड्स आपका रेडी हो चुका है दोनों साइडें मैंने रेडी कर ली हैं अब ऊपर से शोल्डर्स को जोड़ लेंगे और साइडों से फ्रॉक जोड़ लेंगे ठीक है और उसके बाद हम इसका जो स्लिप का कपड़ा है वो मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह से अटैच करना है तो फ्रेंड्स अब हम इसके साथ स्टिच कर लेंगे शमीज़ स्लिप का कपड़ा है बहुत ही सिंपल आपने इसको ऊपर जो है वो वी शेप में कर लेना है आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसकी जो वर्थ होगी वो थर्टी फाइव इंचज़ होगी और लंबाई आपने थोड़ी सी कम रखनी होती है ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा मैंने खोल लिया है ताकि इसको स्टिच करेंगे तो हम जो बॉर्डर्स हैं इसके उसके साथ ये बिल्कुल आ, अच्छे से अटैच हो जाए तो इस तरह करके मैंने ये स्टिच कर लेनी है ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी फ्रॉक है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये जो ऊपर हमने सिल एक फ़ैंसी सा कपड़ा लगाया है इसकी शॉर्ट फ्रॉक्स भी बन रही हैं और ये वाली जो फ्रॉक है ये आप बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं साइड से मैंने इसको बंद कर लिया था और इसको मैं इस तरह से सारा अटैच कर लूँगी थोड़ा थोड़ा आपने इसको चिनट दे के रफल कर लेना है और इस तरह हमारी जो स्लिप है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी मैं आपको बहुत तरीके से आराम आराम से दिखा रही हूँ ताकि आपको हर स्टेप जो है वो इजीली समझ आ जाए और आप इसको बना सकें ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमारी रेडी हो चुकी है अब फ्रेंड्स होता ये है कि जो स्लिप का कपड़ा होता है ऊपर से स्टिच हुआ हुआ होता है तो वो आपको थोड़ा सा तंग भी करता है इसलिए ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक तैयार हो चुकी है तो मैं आपको एक और जो सजेशन दूंगी वो ये है कि नीचे जो फ्रॉक्स होती हैं उनके नीचे और का आप एक कपड़ा लगा सकते हैं ये देखिए पत्ती और का कपड़ा है और ये बहुत ही लाइट कलर की ऑर्गेंज़ा होती है ये देखिए नीचे से मैंने स्टिच कर लिया है ये नीचे लगाने से फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी फ़्रॉक होगी वो बहुत कंफर्टेबल होगी और इससे जो घेरा होगा फ़्रॉक का वो भी काफ़ी फूला हुआ आएगा तो आपने इसको करना किस तरह है स्टिच ये देखिए नीचे से मैंने इसको आ, आ, स्टिच कर लिया और ऊपर से मैं इसको स्टिच करके इसकी जो चुनट है हल्की हल्की रफल कर लूँगी साइड से मैंने इसको खोल दिया है और ये आपने किस तरह बनाना है ये बनाने के बाद आप फ्रॉक के नीचे लगा देंगे तो उसका घेरा भी ज़्यादा हो जाएगा और वो आपकी बहुत कम्फर्टेबल होगी मोस्टली फ्रॉक्स जो होती हैं वो उसके नीचे क्योंकि अलग कपड़ा नहीं लगा होता उस इसकी वजह से वो आपको काफ़ी इरीटेट करती है ना फ्रेंड्स एज यू सी कि ये जो आपकी स्लिप है वो तैयार हो चु मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ वो आपने वादा और गेंजा का कपड़ा भी नीचे अटैच कर लेना अब ये बो है जो बो हम ऑलरेडी स्टिच कर चुके हैं इसको हम बनाते किस तरह है ये मैं आपको ईजीली दिखा देती हूँ आपकी अपनी मर्जी है कि आप कितने साइज़ की बो बनाना चाहते हैं मैंने जो है वो अपनी फ्रॉक के मुताबिक बनाई है जो कि मैंने 10 साल की बच्ची के लिए बनाई है फ्रॉक तो ये छोटा सा जो फैब्रिक रह गया था वो आपने इसके ऊपर लगा के इसको आपने नीडल के साथ अटैच कर लेना है तो बहुत ही प्यारी सी जो बो है वो आपकी रेडी हो जाएगी इसी तरह आप बैंड भी इसके साथ बना सकते हैं बैग बना के उसके ऊपर भी बो लगा सकते हैं बैंड के आपने सेम बो बना के बैंड के ऊपर आप ग्लू गन से चिपका दें तो आपका बहुत ही प्यारा सा मैचिंग जो है वो तैयार हो जाएगा सो यू कैन टेक यू कैन मेक मनी थिंग्स फ्राम दिस बो एज़ यू सी कि ये हमारी रेडी हो गई है अब आपने जो फिदर्स मैंने आपको दिखाए थे ये देखें ये आजकल बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे बाज़ार में बहुत आए हुए हैं आप इसको ऐसे फोल्ड करके इसको मैं नीडल से ही आ, अटैच कर दूँगी अब ये फ्रॉक जो कि मैंने देखें स्लिप नीचे ये दो कपड़े लगा लिए ये औरगैनसा का कपड़ा है ये दिस इज़ एन एक्स्ट्रा फैब्रिक एंड अब आप इसको सीधा करके और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने बो कहाँ पे लगानी है अब फ्रेंड्स आपकी जो बो है वो रेडी है उसको आपने सिंपल मैंने अभी धागा जो है वो इसका तोड़ा नहीं है तो इसको मैं यहाँ रख के बिल्कुल शोल्डर के ऊपर <coughs> शोल्डर के ऊपर रख के आप इसको स्टिच कर लें ये फेदर भी हमने इसके ऊपर लगा लिया ये बहुत ही यूनिक लगेगा इसी तरह आप हेयर बैंड भी बना सकते हैं फ्रेंड्स आई होप आपको ये फ़्रॉक अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और बताइएगा आपने अगर बनाई है तो पिक्चर हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये फ्रॉक कैसी लगी है और अगर आप कुछ और भी लर्न करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट अस बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टेट यून विद अस बिकॉज और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंगाफिज